से भी अनुमानित है, क्योंकि पहले से ये बात तय था कि चूंकि नंबर ऑफ जोन अलग अलग है, हर जोन से अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अलग अलग स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले की संख्या है, तो स्वाभाविक है कि ये उथल पुथल थोड़ा सा होना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी 5-6-7 जोन का अभी वर्तमान में अभी तक रिजल्ट आया है, उसमें लगभग वही बातें हैं। जैसे अगर कुछ एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं तो आपको समझ में और इसकी ज़्यादा स्पष्टता आएगी। जैसे सबसे पहले रिजल्ट आरआरबी भोपाल के अंतर्गत जबलपुर दिया, तो जबलपुर में जनरल का कट ऑफ 65.87 है। तो ये 65.87 जनरल का कट ऑफ किस आधार पर है, तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है आपका, और जबकि इसका एक्चुअल रॉ मार्क्स 27 दिसंबर को जारी की जाएगी, तब जाके पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का कितना ज़्यादा मार्क्स बढ़ा है। और आप देखेंगे कि यहाँ अंतर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बाय कैटेगरी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर ओबीसी की बात करें तो जैसे जनरल में 65.87 यानी 66 कट ऑफ जबलपुर में है, तो ओबीसी का 58 है और ईडब्ल्यूएस का मात्र 40 कट ऑफ है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्यों कम क्यों है। एससी कैटेगरी का 49 है, एसटी का 44 है। तो अगर जनरल ओबीसी की बात अगर छोड़ दें तो बाकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ दिया गया है ये अनुमान से भी काफ़ी कम इसका कट ऑफ गया है, अनुमान से भी काफ़ी कम। कारण इसका नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसके अलावा क्वेश्चन का लेवल है इसमें कि मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था, और प्रीवियस ईयर लगभग सारे वीडियो में 2018 और 19 में हम तुलना करके बताए थे कि इस बार कट ऑफ कम क्यों रहेगा, लगभग वही स्थिति है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे अब कलकत्ता बोर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल का कट ऑफ 69.60 लगभग 70 के करीब पहुँचा है, और ओबीसी का 65.89 है, और ईडब्ल्यूएस का 50.46 है, और यहाँ एससी का 58 है, एसटी का 48 है। जबकि कुछ एक ऐसे भी जोन है कि जहाँ पर कि एससी का कट ऑफ करीब 40 के लगभग है और 40 से कम भी कट ऑफ गया है, तो ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि चूंकि समय कम है, 12 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट हो जाना है और इस बीच में मात्र 18 से 19 दिन का समय बचता है, तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है उनको मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई कि अब यहीं पर संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि फाइनल सिलेक्शन हमारा कैसे होगा ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 3,15,000 के करीब अभी रिजल्ट ओवरऑल आएगी और 1,03,000 बच्चों को फाइनली लिया जाना है, तो यहाँ पर भी 1/3 बच्चे छटेंगे ही छटेंगे। तो उसके लिए है कि एक फिजिकल अच्छे फिजिकल ट्रेनर के अंतर्गत जो अभी तक फील्ड नहीं गए हैं, बाकी तो बहुत सारे बच्चे अभी जो हमसे मिलने आते हैं वो अभी जितना स्पीड चाहिए होता है वो अपना पूरा कर चुके हैं, जो पहले से आसान्वित थे कि हमारा रिजल्ट होगा ही होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बीच मझधार में थे कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, जो कन्फ्यूजन में थे, अब जा करके उनका रिजल्ट हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अब 18-19 दिन में वो कैसे फिजिकल पूरा कर लेंगे ये उनके लिए चुनौती होगा। इसलिए इस संदर्भ में मेरा कहना है कि कोई अच्छे फिजिकल ट्रेनर के अंतर्गत आप फील्ड जाएं, वहां पर फिजिकल का प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहां पर इंजुरी होने का भी संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, और एक छोटा सा इंजुरी हो सकता है कि आपको दौड़ से बाहर कर दे, क्योंकि कोई भी इंजुरी होगा 5 से 7 दिन उसको ठीक होने में लग जाता है, फिर आपका स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि अभी इस पर चिंता हम नहीं करना है कि फाइनल हमारा मेरिट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, अभी आपका पहले रिजल्ट आया है फिजिकल के लिए, उसके लिए आप प्रयासरत रहें, बाद में देखा जाएगा कि हमारा फाइनल मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। एक बात हम जो ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का इतना कम कट ऑफ क्यों, क्योंकि 2-3 बोर्ड में तो हम देख लिए कि 40 के करीब कट ऑफ है और कहीं 50 के करीब कट ऑफ है, जनरल का अगर 70 गया है तो ईडब्ल्यूएस का 50 के करीब है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे मूल कारण जो इसका है कि 2019 के फरवरी मार्च में जिस समय ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो उसी समय ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, और मैक्सिमम जगह उस समय ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भी फिलअप नहीं हो रहा था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा था, तो बहुत सारे बच्चे उस समय भी ऑफिस में मिलने आते थे कि सर हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा है तो हमको क्या करना चाहिए। तो जिनका बना ठीक है, बहुत बच्चों को उस समय भी हम सजेस्ट किए
कि वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि अगर EWS सर्टिफिकेट आप नहीं बना पाते हैं तो बाद में चल करके आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर EWS सर्टिफिकेट बन गया तो ठीक है, नहीं तो जनरल में हमारा अकाउंट होगा, मे बी कि बाद में EWS का मान्यता सबको दे दे। बाद में वही हुआ जिस समय जनवरी में फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद EWS का मामला भी गंभीरतापूर्वक उठा और सभी बच्चों को अलाउ कर दिया गया कि कभी का भी आप EWS सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट उस समय EWS कैटेगरी में टिक लगा दिए थे उनको अभी मैक्सिमम फायदा हो गया है, और अभी जिनका भी EWS सर्टिफिकेट कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है मैक्सिमम का संभावना है कि अगर वो फिजिकल पास कर जाते हैं तो मेरिट में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम फिर से आपको कहना चाहते हैं, सारे बच्चों को कहना चाहते हैं कि जिनका भी रिजल्ट हुआ है अब फिजिकल में लग जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, हम ये बात मानते हैं कि लगभग 55 से 60 लाख बच्चे मैक्सिमम एग्जाम में अपीयर हुए होंगे, उससे कम ही होगा, और रिजल्ट 3 लाख के करीब अभी दिया गया है या दिया जाएगा ओवरऑल, तो 52 लाख बच्चे, 50 से 52 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि इस बार रिजल्ट इसमें नहीं होगा। तो उन बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि ऐसे ही किसी भी कंपटीशन में होता है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, और अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो गंभीरतापूर्वक उस पर सोचने की ज़रूरत है, आत्ममंथन की ज़रूरत है, सेल्फ एवेल्यूशन करने की ज़रूरत है, और आप सेल्फ एवेल्यूशन करिए क्योंकि 2023-24 में दोबारा से गोल्डन फेज वैकेंसी के हिसाब से रहना है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल के लिए भी। तो कोशिश करें कि इस बार जो कमियां रह गई है आगे अगली वैकेंसी में ये कमियां आपका नहीं दिखे, और पूरे जोर शोर से हतोत्साहित ना हो करके फिर दोबारा से एक बार प्रयास करके पूरे जोर शोर से पूरे उत्साह के साथ लग जाना है कि इस बार किसी भी सूरत में बाकी जो भी वैकेंसी जाएगी वहाँ अपना चांस हम मिस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे, और दोबारा से हम कहना चाहेंगे सारे स्टूडेंट को कि जिनका रिजल्ट हुआ है बधाई, और फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे हो इस पर आप गौर करिए, उसके लिए आप प्रयासरत।